खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ग्रुप सी सीटी परीक्षा का आज पहला दिन है। परीक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। दो पालियों में सीटी की परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों के लिए बस का किराया माफ कर दिया गया है। महिला परीक्षार्थियों के साथ एक पारिवारिक सदस्य का किराया भी फ्री किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल ये बात साझा की है और साथ ही ये भी बताया है कि महिला परीक्षार्थियों के साथ अगर एक पारिवारिक सदस्य जा रहा है तो उसका किराया भी फ्री होगा। तो परीक्षार्थियों के लिए बस का किराया माफ किया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई। ग्रुप सी सीटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है और ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। परीक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दो पालियों में सीटी की परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों के लिए बस का किराया माफ किया गया है। महिला परीक्षार्थियों के साथ एक पारिवारिक सदस्य का किराया भी फ्री किया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष सहयोगी गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हैं। गुलशन, आज सीटी परीक्षा का दूसरा दिन है, परीक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर? देखिए साधना, ग्रुप बी की सीटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों को रोडवेज की बस में पेपर देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुफ्त यात्रा का सरकार ने ऐलान किया था और आज भी वो मुफ्त यात्रा कर पाएंगे। और जो भी अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र दिखाकर जो गृह जिले से दूसरे जिले में परीक्षा देने के लिए निःशुल्क जो है यात्रा कर सकेंगे। हालांकि हरियाणा रोडवेज की तरफ से इसको लेकर के एक पत्र भी जारी किया गया था जो कि सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट दो शिफ्टों में सीटी की परीक्षा हो रही है और पुख्ता तैयारियां जो है इस दौरान की गई। धारा 144 जो है आसपास लगाई गई। कल हमने देखा कि कल जो सीटी की परीक्षा हुई थी उसमें सुबह के सत्र में 15 परीक्षा केंद्रों में लगभग 3,858 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और शाम के सत्र में 6 परीक्षा केंद्रों में 1,508 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। तो यानी आज 31 दिसंबर है, आज दूसरा दिन है, अंतिम दिन है। तो आज सुबह के सत्र में 23 परीक्षा केंद्रों में 6,250 परीक्षार्थी जो है परीक्षा देंगे और शाम के सत्र में 10 परीक्षा केंद्रों में 2,409 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए स्थानीय जो प्रशासन है उनकी तरफ से पुख्ता जो है इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। और वहीं सरकार भी चाहती है कि जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो। सुबह आज 10:15 पर एग्जाम जो है वो शुरू होगा जो कि दोपहर 12 बजे तक चलेगा और शाम के समय में 3:15 पर परीक्षा शुरू होगी और शाम 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। तो इसको लेकर के साधना का जो कि ग्रुप सी की सीटी जब परीक्षा होती है तो अभ्यर्थियों को हरियाणा सरकार की तरफ से रोडवेज की बस तो मुहैया कराई जाती है लेकिन इसके अलावा हिदायत भी दी जाती है कि परीक्षा देते समय कोई भी चीटिंग ना कर सके इसके लिए पहले से ही परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं और किसी को भी कुछ ले जाने की इजाजत जो है नहीं होती है। केवल वो पेन ही ले जा सकता है, इसके अलावा अन्य सामान वो नहीं ले जा सकता है। तो आज भी अंतिम दिन है तो परीक्षा केंद्रों पर रखने के लिए ड्यूटी जो मजिस्ट्रेट है वो भी नियुक्त किए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है परीक्षार्थियों को भी ना आए और जो परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी परीक्षा देने आते हैं उनके साथ जो अन्य लोग होते हैं वो किसी तरह की पर्ची जो है या खर्ची का खेल ना कर सकें, इस तरह की अभी ध्यान जो है वो रखा जाता है। तो आज दूसरा दिन है तो आज पहली जो परीक्षा है सुबह 10:15 पर शुरू होगी। बहुत शुक्रिया गुलशन जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं। दो पालियों में ये सीटी की परीक्षा होगी और तमाम छात्रों ने तैयारी भी कर ली है।